हेलो फ्रेंड्स, आई एम रतन सिंह देवड़ा, लेक्चरर इन इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टेंस का पार्ट 3। आप सभी का जीत क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इससे पहले आपने हमारे वीडियोस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के देख चुके हो। आज हम तीसरा वीडियो लेकर के आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट का तीसरा पार्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात ये पूर्ण वर्तमान काल, इसे कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। इसका नाम है पूर्ण वर्तमान काल, अर्थात इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, जिसमें किसी काम का पूरा होना पाया जाता है। और इसमें आइडेंटिटी, देखिए हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम किसका प्रयोग करते हैं, जैसे मैं बाजार पहुंच चुका हूँ, मैं विद्यालय से आ चुका हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, तो ये चुका हूँ। और चूंकि है, और चुके हैं, इसके अलावा जैसे आ है, किसी के जैसे आया है, तो ये ई है, गए हैं, वे गए हैं, वे अभी अभी गए हैं, इस प्रकार का भी सेंटेंस हो तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब देखिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये कुछ इंग्लिश में एडवर्ब्स होते हैं जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि इसमें इस टेंस का प्रयोग हुआ है। एवर, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, ऑलरेडी, पहले ही, ऑफन, अक्सर, और जस्ट, अभी अभी, और येट, अभी तक, और सो फार, अब तक, लेटली, निश्चय ही, सिंस यानी जब से, इसमें समय के साथ होगा, से, इसमें से के रूप में, फॉर का मतलब भी से। ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। ये टिल नाउ यानी अब तक, अब तक वो मंदिर जा चुके या पहुंच चुके, इस तरह रिसेंटली मतलब हाल ही में। और नॉट यानी अभी तक नहीं, और बाय नाउ यानी अब तक। तो नेवर ऑलरेडी मतलब पहले ही, और नेवर यानी कभी नहीं, और एवर का मतलब हमेशा या अभी, इस रूप में। ठीक है, तो ये इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं टाइम ऑफ एडवर्ब्स जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। अब देखिए इसमें, ये पहले तो हो गए हिंदी में पहचान, उसके पश्चात हमने पढ़ा एडवर्ब्स ऑफ टाइम के अंदर इंग्लिश के सेंटेंस में ये वर्ड्स होंगे, तब जानेंगे कि इसमें टेंस कौन सा आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए इसमें तीसरा पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या करना हमें, देखिए इसमें दो होती है हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव, हैज और हैव। तो यह जो हैज होती है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जैसे ही का प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे प्रोनाउन के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम, जैसे कोई नाम है रमेश है, गीता है, इस टाइप से जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के नेम होंगे वो सब ही हैज के साथ में होंगे। इसके अलावा प्रोनाउन के अंदर ही, सी और इट का यूज करते हैं। अब देखिए जो हैव है, इसका यूज होता है आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में,
दे के साथ में। इसके अलावा अगर प्लुरल कोई भी नाम है, जैसे स्टूडेंट शब्द आया हुआ है, तो ये इस प्रकार के प्लुरल नेम, चाहे संज्ञाओं के हो या फिर जो कॉमन नाउन होते हैं उनके नाम है, तो ये इस प्रकार कलेक्टिव नाउन है, वो सारे किसमें होंगे, हैव के अंदर। अब देखिए मैन वर्ब, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, उस समय ये वर्ब्स के बारे में हमने परिचय दिया था कि वर्ब्स में तीन फॉर्म होती है, प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लेंगे। जैसे मान लीजिए एक वर्ब है गो, ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसी की सेकेंड फॉर्म करते हैं वेंट, और थर्ड फॉर्म में फिर होता है गॉन। ऐसे ही जैसे शब्द है वांट, तो वांट का किस तरह होगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वांटेड, और थर्ड फॉर्म भी वांटेड। अब जैसे रन शब्द है, रन यानी दौड़ना, तो फर्स्ट सेकेंड में क्या करेंगे, रन करेंगे, और थर्ड फॉर्म में वापस रन का यूज होगा। तो ये इस प्रकार वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म। हाँ, अब देखिए अब जो सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस पैटर्न होगा हमारा, उसमें सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य होते ही नहीं, इन्हें साधारण वाक्य भी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में सकारात्मक वाक्य भी कहेंगे। हाँ, जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट की हम बात कर चुके हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगुलर और प्लूरल। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज होगी, और प्लूरल है तो हमें हैव का यूज करना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कैसे भी हेल्पिंग वर्ब हो, और फिर हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास दो सेंटेंस है, इनको पहले समझ लेते हैं। जैसे ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आ रही हैज, और इसमें जो टाइम ऑफ एडवर्ब का शब्द है जस्ट, ही है जस्ट, और ये गो की थर्ड फॉर्म है। इसकी थर्ड फॉर्म है गो की, गॉन आउट, वह अभी अभी बाहर गया है या बाहर जा चुका है, तो वह अभी अभी बाहर जा चुका है। अब देखिए दूसरे में जो सेंटेंस है, इसमें है ही हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम टू मी। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा ही है, सिंगुलर है, इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी ये टाइम ऑफ एडवर्ब का शब्द है, और फिर एक्सप्लेन, बताना वर्णन करना, हिज प्रॉब्लम अपनी समस्या, टू मी मुझे, वह पहले ही अपनी समस्या मुझे बता चुका है। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइन है, वे अभी अभी बाजार से घर आ चुके हैं, वे अभी अभी बाजार से घर आ चुके हैं। अगर मान लो ये सेंटेंस है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, दे है, इसको सबसे आगे लिखेंगे। अब दे प्लूरल है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो दे हैव। अब दे हैव के बाद में, अब देखिए यहाँ पर जो टाइम ऑफ एडवर्ब शब्द आया हुआ है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में होता है, तो दे हैव जस्ट अब बाजार से घर आना लौटना, तो दे हैव जस्ट कम, कम की थर्ड फॉर्म कम कैम कम सेम ही रहेगी, दे हैव जस्ट कम टू होम फ्रॉम द मार्केट। फ्रॉम द मार्केट, दे हैव जस्ट कम टू होम फ्रॉम द मार्केट, वे अभी अभी बाजार से आ चुके हैं। तो ये इस प्रकार एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, उनका हमने यूज पढ़ा। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, अब नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक सेंटेंस। ये नकारात्मक होते हैं, इसमें
नहीं के वाव होते हैं, ये नकारात्मक से। अब देखिए नकारात्मक का स्ट्रक्चर क्या होता है, वही सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर हैज हैव का प्रयोग करना है, और फिर हैज हैव के बाद में नॉट लगानी है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर टाइम ऑफ एडवर्ब सब शब्द है तो वो हैज हैव और फिर टाइम ऑफ एडवर्ब जैसे ऑलरेडी, फिर नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे। जिसी तरह हैज हैव जस्ट, हैज हैव एवर, उसके पश्चात नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल जिस तरह दे रखा है ये, शी हैज नॉट संग सॉन्ग, तो यहां पर शी वह गाना नहीं सुन चुकी है, वह गाना नहीं सुन चुकी है, तो यहां पर सी आया हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, फिर ये नॉट आएगा हैज हैव के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, और ये सिंग की थर्ड फॉर्म है। किसकी थर्ड फॉर्म है? सिंग, एस आई एन जी। अब इसकी सेकेंड फॉर्म होती है एस ए एन जी और थर्ड फॉर्म एस यू एन जी, सिंग ए संग ए सॉन्ग। तो सी हैज नॉट संग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं सुन चुकी है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल, वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल, हमने ऐसा कोई जानवर अभी तक नहीं देखा है, या इस तरह अपने हम ऐसा जानवर नहीं देख चुके हैं। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, फिर नॉट, और ये सी की क्या है, थर्ड फॉर्म है सीन सच एन एनिमल, कि हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, नहीं देख चुके हैं। तो ये इस प्रकार इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, तीसरा जैसे मान लीजिए, लड़के अपना भोजन अभी तक नहीं खा चुके हैं, लड़के अपना भोजन अभी तक नहीं खा चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा बॉयज है, अब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैव, और फिर ये टाइम ऑफ एडवर्ब अभी तक, येट का प्रयोग लास्ट में होगा, तो बॉयज हैव नॉट ईट की थर्ड फॉर्म, खाना ये क्रिया है, ईट होता फर्स्ट फॉर्म में, थर्ड फॉर्म होगी ईटन, बॉयज हैव नॉट ईटन। अब देखिए फिर अपना भोजन, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास भोजन, और फिर ये अपना शब्द आया हुआ है, तो यहां लड़के प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या मानेंगे, दे, और दे का रिलेटिव एडवर्ब क्या होगा, देयर, तो बॉयज हैव नॉट ईटन देयर देयर फूड अभी तक, येट, बॉयज हैव नॉट ईटन देयर फूड येट। तो ये इस प्रकार एक नेगेटिव एग्जाम्पल था, बॉयज हैव नॉट ईटन देयर फूड येट, तो इस तरह नेगेटिव सेंटेंस थे। अब देखते हैं आगे, हाँ, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ये तीसरे टाइप्स हैं जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक भी होते हैं। तो ये इसमें इस तरह है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या करना है हमें, अगर डब्ल्यू एच वर्ड्स है तो उसका सबसे पहले यूज होगा, उसके पश्चात फिर हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, इसका हेल्पिंग वर्ब का। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हैज, और प्लूरल है तो हैव, और फिर सब्जेक्ट, अब ये नॉट इसको ब्रैकेट में रखा कि अगर इंटरोगेटिव है तो फिर नॉट नहीं लगाने, इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव है तो नॉट लगाना, लेकिन कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना हमें। इसमें भी एग्जाम्पल है, जैसे हु हैज नॉट ब्रॉट हिज बुक। अब देखिए पहले आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड है, फिर हैज हैव है में से हैज दे रखा है, अब इसमें क्या है कि सब्जेक्ट, क्योंकि ये हु से बना हुआ, अर्थात सब्जेक्ट नहीं है, तब हु का यूज हुआ है, उसके बाद क्या हो गया, नॉट आ गया, फिर ये ब्रिंग की
थर्ड फॉर्म ब्रॉट है और फिर ये ऑब्जेक्ट है हिज बुक. हु हैज नॉट ब्रॉट हिज बुक, कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है या कौन अपनी पुस्तक नहीं ला चुका है. तो ये इस टाइप से एग्जाम्पल था जिसका ट्रांसलेशन इस तरह किया हुआ है. दूसरा है वेयर हैज द बॉय रन अवे, ये डब्ल्यू एच वर्ड वेयर हैज द बॉय, देखिए सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग हुआ है और रन अवे, वेयर हैज द बॉय रन अवे, बच्चा कहाँ भाग चुका है, बच्चा कहाँ भाग चुका है. अब देखिए आगे तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम. लड़कियां अभी अभी क्यों लड़कियां अभी अभी क्यों अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकी है. लड़कियां अभी अभी क्यों अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकी है. तो ये इस प्रकार का एक सेंटेंस है जिसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में. ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों है, तो मैं दोनों का भी यूज करना है. सबसे पहले क्यों डब्ल्यू एच वर्ड्स आया हुआ है, तो सबसे आगे क्या लिखेंगे, वाई, वाई लिख दिया. वाई के बाद अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, जैसे ये गर्ल्स है तो गर्ल्स में हैज और हैव में से क्या होगा, हैव. वाई हैव गर्ल्स, अब ये जस्ट आया हुआ है, जस्ट नॉट. अब देखिए अपना कार्य, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और पूरा करना ये क्रिया है. तो वाई हैव गर्ल्स जस्ट नॉट कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड. तो वाई हैव गर्ल्स जस्ट नॉट कंप्लीटेड, हाँ, अपना कार्य देयर वर्क. Why have girls just not completed their work? तो लड़कियां अभी अभी क्यों अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकी है. देखिए ये इंटरोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है. तो ये इस प्रकार एक इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव का एग्जाम्पल था. अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं. अब इसके कुछ स्पेशल यूजेज होते हैं. आपने देखा होगा कि क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट काफी समान होते हैं. जैसे मैं घर गया, मैं घर जा चुका. अब दोनों में क्रिया हो चुकी है पूरी. घर गया वो भी काम हो गया है, जा चुका हूँ ये भी हो चुका है. लेकिन इनमें ये फर्क है क्योंकि जो पास्ट सिंपल का सेंटेंस होता है उसमें कार्य कंप्लीट हो जाता है. अब उसमें कोई इस प्रकार का कोई उसका अवशेष नहीं कह सकते हमारे पास है. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे हमने अभी अभी कोई कार्य किया है, रिसेंटली हाल ही में किया है, और उस कार्य के हमारे पास एविडेंस है कि मैं ये अभी कार्य कर चुका हूं, और वो बता रहा है कि ये काम तुरंत हुआ है. जैसे मान लीजिए ये एक टाइम लिमिट है, जैसे यहां पर है प्रेजेंट और ये है पास्ट. अब मान लीजिए कि पास्ट सेंटेंस होगा मैं घर गया, तो ये घर गया अर्थात पास्ट सिंपल का सेंटेंस, और ये प्रेजेंट है और इससे पहले की क्रिया है ये, मैं घर गया हूं. अब मान लीजिए कोई कहता है कि मैं घर पहुंच चुका हूं, है तो ये भी घटना पास्ट की, लेकिन इसमें काम अभी अभी हुआ है अर्थात ये प्रेजेंट है और इसे जस्ट बिल्कुल बता रहा कि ये इतना भूतकाल नहीं होता जितना पास्ट में होता है. और इसमें जो फिर समय दे रखा होगा वो फिर कभी इस प्रकार का लास्ट डे या यस्टरडे इस तरह का शब्द नहीं होंगे, ठीक है. तो ये इस तरह एक डायग्राम के माध्यम से हमने समझा कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों भूतकाल से रिलेटेड होते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें ये सो होता है कि ये कार्य अभी अभी हुआ है, और पास्ट परफेक्ट जो पास्ट सिंपल होता है वो बता रहा है कि ये काम पहले ही पूरा हो चुका था. देखिए हाँ, स्पेशल यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.
और पहला है ही हैज बीन हियर फॉर 2 वीक्स। हाँ ये फुल स्टॉप है, तो ही हैज बीन हियर फॉर 2 वीक्स, वह 2 सप्ताह से यही है, ये वह 2 सप्ताह से यही है। ही हैज बीन हियर फॉर 2 वीक्स, वह 2 सप्ताह से यही है। अर्थात इसमें फॉर 2 वीक्स, देखिए सिंस या फॉर के साथ में टाइम दे रखा होता है, ये मोस्टली किसमें होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूम। लेकिन यहाँ भी ये कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में आती है और वो प्रोसीडिंग में नहीं आ पाती है, तो उनको डायरेक्टली किस रूप में लिखा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यू में भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होती है क्रियाएं जो उनका परसेप्शन होता है, जैसे हमारी थिंकिंग से रिलेटेड होती है, बिलीविंग करना होता है, तो वो जैसे मेंटल एक्टिविटी के बारे में होती है, जो हमारे थॉट्स होते हैं उनको कंटिन्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो सिंपल में लिखी जाती है। तो वैसे ही जो प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यू में नहीं लिखे जाते हैं उनको वापस किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ही हैज बीन हियर फॉर 2 वीक्स, वह 2 सप्ताह से यहाँ पर है, वह 2 सप्ताह से यहाँ पर है और अभी गई नहीं है, अभी यही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो 2 सप्ताह से यहाँ पर है और अभी रह रही है, तो ये इसका एक स्पेशल यूज है। अब दूसरा एग्जाम्पल है ही हैज कट हिज फिंगर, हाँ हैज के साथ थर्ड फॉर्म कट हिज फिंगर, उसने अपनी अंगुली काट ली, वह अपनी अंगुली काट चुका है। तो ये अब इसमें देखिए ये भी पास्ट की घटना ही है, उसकी अंगुली तो कट गई है, लेकिन अभी एविडेंस है हमारे पास कि उसका घाव ठीक नहीं हुआ है, ये अंगुली कटी हुई है और उसका घाव ठीक नहीं हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट का उदाहरण है। फिर जैसे आई हैव नॉट सीन यू फॉर एजिस, मैंने तुम्हें कई वर्षों से नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन यू फॉर एजिस, कई युगों से तुम्हें मैंने नहीं देखा है, कई वर्षों से तुम्हें नहीं देखा है, अर्थात मैं अब तुम्हें देख पा रहा हूं, आज मैंने तुम्हें कई वर्षों के बाद देखा है। अगर मान लीजिए आई डिड नॉट सा यू फॉर एजेस भी कर सकते, मैंने तुम्हें वर्षों से नहीं देखा अर्थात अभी तक नहीं देख पाया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने कई युगों से तुम्हें देखा नहीं है लेकिन मैंने तुम्हें आज देख लिया है, ये शो कर रहा है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर पास्ट में लिखते तो ये इस तरह लिखा जाता, आई सा यू, आई हाँ देखिए नेगेटिव है तो ये इस तरह करते, आई डिड नॉट सी यू फॉर एजेस, तो अर्थात इसका मीनिंग ये होता कि ये मैं तुम्हें कई वर्षों से नहीं देखा, कई वर्षों से मैंने तुम्हें देखा नहीं है और नहीं मैं देख पा रहा, तो और ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, अर्थात मैं तुम्हें कई युगों से नहीं देखा लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, आई हैव रीड द बुक, मैं उस पुस्तक को पढ़ चुका हूँ, अर्थात वो पुस्तक अभी भी मेरे पास में है और मैंने उसे अभी हाल ही में पढ़ करके पूरा किया है, ठीक है। तो ये इस तरह एग्जाम्पल था। देखिए अब है एग्जाम्पल करेक्ट वर्ब दे रखी है जिसमें हमें पहचानना है और इसमें टेंस का यूज करना, ठीक है। द मशीन जस्ट ब्रेक डाउन, अब देखिए आप इस सेंटेंस को देखिए, ना तो इसमें हिंदी लिखी हुई है ना चुका है चुकी है लिखा हुआ है, हमें इनमें ऐसे टाइम ऑफ एडवर्ब्स ढूंढने हैं जिनके आधार पर हम कहेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट ही आया हुआ है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है इसमें हमें जस्ट से पहचाना, जस्ट किस में पढ़ते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ते हैं, तो फिर इसमें द मशीन सेंटेंस कैसा है, नॉट नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी, अर्थात ये अफर्मेटिव है, द मशीन हैज जस्ट ब्रेक की होगी थर्ड फॉर्म ब्रोकन डाउन, द मशीन हैज जस्ट ब्रोकन डाउन, अर्थात मशीन अभी अभी खराब हो चुकी है। अब दूसरा देखिए द सन, अब ये जो शब्द है ऑलरेडी, ये भी किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है, तो इस टेंस के अनुसार द सन, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे, हैज, द सन हैज ऑलरेडी सेट, अब सेट की थर्ड फॉर्म भी सेट ही होती है तो सेम रहेगा, द सन हैज ऑलरेडी सेट। और फिर है तीसरा, ही लिव
इन दिस सिटी फॉर 7 ईयर्स। अब देखिए, वो इस शहर में 7 वर्ष से रह रहा है, वो इस शहर में 7 वर्ष से रह रहा है। तो ये कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में भी लिखा जा सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह यहां पढ़ेंगे इसको, ही हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 7 ईयर्स, कि वो 7 वर्षों से इस शहर में रह चुका है, रहता आया है, अभी भी रह रहा है। हाँ, फिर है यू एवर बी टू फ्रेंड्स। हाँ, यहां पर देखिए बी लिखा हुआ है। अब इसमें वर्ब जो बनेगी बी से प्रेजेंट में बनती है इज आरम, पास्ट में बनता है वाइज वर्ब, और फिर इसमें पास्ट पार्टिसिपल्स में क्या होता हैज हैव बीन, हैज हैव बीन। तो यहां यू है तो यू से क्या बनेगा, हैव। हैव यू एवर बीन टू फ्रेंड्स, हैव यू एवर बीन टू फ्रेंड्स, कि वो पहले ही फ्रेंड्स जाके आया है या जा चुका है। ही हैज, अब देखिए यहां पर ये करेक्ट वर्ब दे रखी है, फिनिश्ड ऑल हिज वर्क ऑफ कालिदास येट। तो यहां जो येट शब्द आया हुआ है, इससे हमने पहचाना कि येट है जो प्रेजेंट परफेक्ट का सिंबल है, ये टाइम ऑफ एडवर्ब उसी का है। इसमें हमें यूज किया है ही हैज फिनिश्ड। ऑल द वर्क ऑफ कालिदास येट। और नेक्स्ट है माई ब्रदर नॉट येट रिटर्न फ्रॉम जयपुर। अब देखिए, हर सेंटेंस में जब भी आप करेक्ट वर्ब का सेंटेंस देखोगे आप, तो प्रत्येक सेंटेंस में हर टेंस का क्लू दिया हुआ होगा, वो आपको पहचानना है। और यहाँ जैसे क्लू रखा है येट, तो येट है अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट है। तो माई ब्रदर हैज हैव में से क्या होगा, हैज, नॉट येट, नॉट येट बीच में हो गया, रिटर्न भी थर्ड फॉर्म लिखनी है, रिटर्न फ्रॉम जयपुर। माई ब्रदर हैज नॉट येट रिटर्न फ्रॉम जयपुर, कि मेरा भाई अभी तक जयपुर से नहीं लौट चुका है, लौटा है। हाँ, सी बी इल सिंस फ्राइडे, कि वे फ्राइडे से बीमार है, तो फ्राइडे से बीमार रह चुकी है। तो सी बी आया हुआ, देखिए बी से क्या करना है, सिंपल बनता है इज आर एम, और फिर इसमें पास में बनता है बी से क्या बनता है, वाज वर। और इसके अलावा फिर ये तो हो गया सिंपल साधारण में, अब इसमें पास्ट पार्टिसिपल में होता हैज हैव, और साथ में बीन लगाते हैं, और इसमें होता हैड बीन। ठीक है, तो यहां बी के बाद अब ये सिंस फ्राइडे शब्द दे रखा है, और जब बी हो, क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है, बी से ही वर्ब हमें निर्माण करना है, तो सी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, कि वो फ्राइडे से बीमार है। आगे नेक्स्ट है सी गो टू अमेरिका। हाँ, तो ये साधारण सेंटेंस दे रखा है, इसमें देखिए कोई टाइम का वर्ड दे ही नहीं रखा है, तो पढ़ रहे हैं ये टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, सी हैज गॉन टू अमेरिका, सी हैज गॉन टू अमेरिका। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू रीड द अरेबियन नाइट्स, क्या तुम अरेबियन नाइट्स, ये कोई फेमस बुक है, इसे पढ़ चुके हो। हाँ, तो हैव यू, क्योंकि हैव किस लिए कर रहे हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसका सिंबल ये है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो हमें सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब का। तो हैव यू रीड की थर्ड फॉर्म भी सेम ही होगी, रीड रीड रेड रीड। तो हैव यू रीड द अरेबियन नाइट्स, द ट्रेन ऑलरेडी लेव, ये भी देखिए दोबारा द ट्रेन, अब ये ऑलरेडी सबसे हमने पहचान लिया, तो हैज ऑलरेडी लिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेफ्ट, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुकी है। इसी तरह मुकेश, ये नेगेटिव है, नॉट कंप्लीट हिज वर्क अप टू नाउ, अभी तक, अप टू नाउ का मतलब अभी तक उसने अपना कार्य नहीं किया। तो यहां जो ये अप टू नाउ शब्द दे रखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है। तो मुकेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज, और फिर नॉट लिखेंगे, और फिर कंप्लीटेड, इसी में आप कंप्लीटेड कर देते हैं, तो मुकेश हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है गोपी,
ऑल द बिस्किट्स, गोपी है जो सारे बिस्किट खा चुका है, गोपी सारे बिस्किट्स खा चुका है, तो क्या करेंगे, गोपी हैज एटन ऑल द बिस्किट्स। मिस्टर हरी बी टू जापान, अभी हमने बी के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ये इज आरम से बनाना हमें, बी से इज आरम, फिर हैज हैव बीन, तो यहाँ मिस्टर हरी ये सिंगुलर है तो हैज बीन टू जापान, अर्थात मिस्टर हरी है जो जापान हो चुके हैं, जापान रह के आ चुके हैं। हाँ नेक्स्ट है यू रीड गुलिवर्स ट्रेवल्स, तुमने गुलिवर्स ट्रेवल्स की स्टोरी बुक है वो पढ़ चुके होंगे या पढ़ चुकी है ना, तो हैव यू रीड गुलिवर्स ट्रेवल्स। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है आई नेवर नो हिम टू बी एंग्री, आई नेवर नो हिम टू बी एंग्री, मैंने इससे पहले उसे कभी गुस्से में नहीं देखा, मैंने इससे पहले उसे कभी गुस्से में नहीं देखा, तो आई हैव नेवर नॉन, थर्ड फॉर्म है नॉन, नॉन हिम टू बी एंग्री, मैंने अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने उससे पहले इसे कभी गुस्से में नहीं देखा जितना आज मैं देख पा रहा हूं। तो ये इस प्रकार कुछ करेक्ट वर्ब्स के रूल्स थे जो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में करने थे। इसी तरह ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेंस के रूप में जो वीडियोज है उनका पार्ट 3 पूरा हुआ है, और अवश्य ही ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, आप इसे अच्छी तरह देखिएगा समझिएगा, और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और खूब पढ़ाई कीजिए। थैंक्स।